नेता कभी जनता कभी राजा को भिखारी को डॉक्टर को रोगी को सूफी को शराबी को बड़े को भी छोटे को भी पतले को मोटे को हरे को छोटे को लंबे को नाटे को आपके नालायक व बदतमीज बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भट्टी प्राइवेट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गाली गलौज थप्पड़ मुक्का गहरी चोट केस डलवाना बरी करवाना बिना चोरी के केस डलवाना इत्यादि इत्यादि एक सफल पुलिस ऑफिसर बनने के लिए संपर्क स्थापित करें भट्टी प्राइवेट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फीस 2,000 रुपए मेज के ऊपर और 4,000 रुपए मेज के नीचे मैं तो कहता हूँ कि एक दिन और रुकते आप नहीं रुक तो जाता लेकिन आपका ये जो नौकर है ना ये मुझे बहुत घूरता हर चपाती के बाद पूछता और चाहिए और चाहिए दरअसल वो बेचारा थक जाता है ना चपाती बनाते बनाते मेरा मतलब है बेवकूफ है उसे अपने पराए की पहचान नहीं है वैसे भी मुझे घर से निकले हुए 2 रातें होगी हमारे उधर तो चोरियां भी बहुत होती हैं चोरियां होती हैं उधर तो लोगों का मेन बिजनेस ही चोरी है नेचुरली अपना बिजनेस छोड़कर आना लॉस ही तो है ना क्या मतलब मेरा मतलब है चोरी वोरी ना हो जाए ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना तुमने कभी रवि दत्त का नाम सुना इतिहास में तो कभी सुना नहीं साइंस में आया तो पता नहीं यार वो बड़ा कड़क आईपीएस ऑफिसर है जब से हमारे शहर में एसएसपी लगा ना सब चोरियां चकारियां बंद है अच्छा अच्छा है ओए कमाल है यार तुम तो कहते थे यहाँ कोई चोरियां चकारियां होती नहीं यार अखबार में तो यही पढ़ा था फिर चोरों ने अखबार नहीं पढ़ी होगी नहीं तुम्हें पक्का यकीन है कि जब तुम आए थे चारों टायर थे ना ना मैं तो इसे ठेले पे लाद के लाया था यहाँ आके ईंटों पे सजा दी नहीं मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरी बेइज्जती नहीं एसएसपी की बेइज्जती है तुम फिक्र ना करो चलते हैं उसके पास बात करते हैं इसका मतलब काफी दहशत है हमारे शहर में है जनाब चोर गाड़ी ईंटों पर छोड़ गए और आप दहशत की बात कर रहे हैं अरे साहब अगर हमारी जगह कोई और ऑफिसर होता ना तो टायरों के साथ साथ गाड़ी भी चोरी हो गई होती सर गाड़ी चोरी हो जाती तो कोई बात नहीं थी गाड़ी तो पुरानी थी टायर ही नए थे खैर टायर भी मिल जाएंगे आप घबराते क्यों हैं इंस्पेक्टर खरे को भेजो जरा अंदर हाँ आधे घंटे में टायर आपके पास होंगे इससे ज्यादा टाइम तो चोरों ने व्हील खोलने में लगाया होगा यही तो फर्क है पुलिस और चोरों में जो काम चोर 4 घंटे में करते हैं पुलिस आधे घंटे में कर देती है मेरा मतलब आधे घंटे में टायर बरामद इट्स टू फास्ट जयंत सर हाँ खरे ही इज मिस्टर भट्टी भाई इनकी गाड़ी के कल चारों टायर चोरी हो गए हैं मलकानी साहब के घर के बाहर से ये ग्रीनफील्ड एरिया में चारों टायर हाँ भाई चारों टायर और हमने इनसे वादा किया है कि आधे घंटे में टायर बरामद करवा देंगे सर आपने कह दिया तो हो जाएंगे दैट्स नाइस गो अहेड राइट सर हम तब तक चाय वाय पीते हैं इतने में टायर मिल जाएंगे अपने तो इलाके में इतनी दहशत है साहब कि आधे से ज्यादा चोर तो टेलीफोन पर ही मान जाते हैं सर चोर पकड़ा गया टायर बरामद हो गए ओह वेरी गुड कहाँ है टायर बाहर बरामदे में सर आइए जी देखते हैं ये 3 टायर तो मेरे हैं लेकिन ये चौथा बिल्कुल नया है सर ब्रांड न्यू नहीं नया तो मेरा भी था लेकिन इतना नया नहीं आपके लिए तो फायदा ही है सर हाँ हाँ आप रखें इसे नो प्रॉब्लम नहीं जी नहीं अगर ये बाई चांस चोरी का निकला मैं तो फजूल प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा आप मुझे मेरा ही टायर दिलवा दें प्लीज चोरी का नहीं है सर मार्केट से लिया है
आप मुझे मेरा ही टायर दिलवा दो जी। चौथा टायर भी ढूंढो भाई। सर वो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जब तीन मिल सकता तो चौथा क्यों नहीं मिल सकता? एक्चुअली सर चोर ने चारों टायर लाल किले के पास किसी को बेच दिए थे। फिर? सर तीन टायर तो बरामद हो गए थे। हाँ? चौथा उसने किसी गाड़ी में लगा दिया था। हाँ तो उस गाड़ी से उतार लो। नहीं उतार सकते सर। नहीं उतार सकते? क्यों नहीं उतार सकते? सर वो आईजी साहब की गाड़ी में लगा हुआ है। आईजी साहब कम से कम दो टुकड़ियां बीएसएफ की और दो सीआरपीएफ की जरूर लगवा देना। फायर ब्रिगेड। हाँ जी फायर ब्रिगेड, बैरिकेड और टीयर गैस का भी प्रॉपर इंतजाम करना है। प्रधान जी एम्बुलेंस। हाँ जी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को भी प्रॉपरली तैनात करना है जी। हाँ जी ओके ओके जी। जनाब क्या बात है, कोई दंगे फसाद होने वाले हैं क्या? नहीं नहीं कल हमारा शांति सम्मेलन है ना, हमें डर है कहीं हमारे पार्टी वाले आपस में ना लड़ पड़े। इंस्पेक्टर साहब मैं चार दिन से 10 चक्कर काट चुका हूँ, अब मेरी FIR दर्ज कर ले। केस क्या है? मैं कितनी बार तो बता चुका हूँ कि मेरी भैंस चोरी हो गई है। आपको किस पे शक है? शक हजूर मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नौकर रामू ने मेरी भैंस को भगाया। भैंस बालिक है या नाबालिग? क्या? मेरा मतलब हो सकता है कि भैंस अपनी मर्जी के साथ गई हो। जी अगर भैंस की उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो किसी के साथ भी जा सकती है। हजूर मेरी भैंस भागी है, मेरी लड़की नहीं। वो हो तो फिर लड़की किसकी भागी है? लड़की तो मेरी भागी है जी। तो फिर तुम दोनों कैसे अंदर आ गए, कंफ्यूजन बिछा रखी है। मैं तो पहले आया था जी। तो तुम दोनों कल आना चलो। लेकिन मेरी FIR। वो FIR कल दर्ज करेंगे, एक दो दिन अपनी लड़की को ढूंढ लो। साहब लड़की नहीं भैंस। जो भी आप कल आ जाना। चलो जनाब मुबारक हो, बड़ी देर के बाद एक जेन्युइन चोर पकड़ के लाया हूं। क्या नाम है भाई? जी मुखर्जी। लो करनी चोरियां और नाम के साथ जी। जनाब अगर आपको जी से इतराज है तो आप मुझे मुखरी कह लें। क्या चोरी किया? स्कूटर चोरी किया जनाब इसमें। कहां से भाई? वो कोई देसराज है जी बर्तनों वाला, उसके घर से। देसराज जी 3 दिन हो गए आपका स्कूटर चोरी हुए लेकिन अभी तक आपने पुलिस रिपोर्ट ही नहीं करवाई। भाई साहब यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाथ पर हाथ धरकर ऐसे बैठे हैं जैसे चोर खुद माफी मांगकर इनको स्कूटर वापस दे जाएगा। आप थाने FIR तो दर्ज करवाओ। मैं पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। आप क्या समझते हैं FIR दर्ज कराना आसान काम है? देखा ये नहीं मानेंगे किसी की। अगर भाग्य में हुआ तो स्कूटर जरूर मिल जाएगा। कौन है? मैं देखती हूँ। आप में से देसराज कौन है? जी। मैं हूं जी। आप जरा साइड पे हो जाए। आपका स्कूटर चोरी हुआ है? हाँ जी। तो FIR क्यों नहीं लिखाई? जी FIR तो नहीं लिखवाई। वो तो क्यों नहीं लिखवाई? जी वैसे ही। वैसे ही? ओए वैसे नहीं, ये स्कूटर चोरी का है। चोरी का नहीं जी, मेरा अपना है, मैंने आप खरीदा था 10,000 में। सरकार को सब पता है, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। भाई साहब वो आपकी भैंस का क्या हुआ, मिल गई? कहाँ जी, अभी तो FIR दर्ज नहीं हुई, 7 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए। तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि स्कूटर चोरी होने पर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर मेरा पुराना सा स्कूटर था, बस इस खचड़े स्कूटर के लिए मैं पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इसका मतलब स्कूटर तुमने भी कहीं से चोरी किया था? नहीं हजूर, स्कूटर मेरा अपना था। क्या प्रूफ है कि स्कूटर तुम्हारा था? सर वो मेरे सिवा किसी और से चल ही नहीं सकता, इसीलिए तो चोर पकड़ा गया। ये कोई प्रूफ नहीं, रसीद किधर है? सर मैं इन्हीं सवालों से बचने के लिए FIR नहीं लिखवाने आया था। कोई बात नहीं, अंदर कर दो उसे 2 दिन के लिए। नहीं जनाब नहीं, मैं माफ कर दो मुझे, मैं अभी FIR लिखवा लूँ। इधर भी उधर जाकर लिखवाओ, उधर चलो। लोगों को FIR की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। वो क्या बना भैया आपकी भैंस का? मेरी भैंस की बात छोड़ो, उसकी तो अभी FIR दर्ज नहीं हुई। हाँ देसराज बड़ा लक्की रहा, उसका स्कूटर मिल गया। अच्छा मुबारक हो भाई देसराज जी, आपका स्कूटर मिल गया। स्कूटर तो मिल गया पर मुबारक वाली कोई बात नहीं है। क्यों भाई? 10,000 का स्कूटर था, 20,000 ऊपर से लग गया। वो किस बात के? ये साबित करने के लिए कि स्कूटर मेरा ही था। बहन और भाइयों, चोरों और सिपाहियों, अब आपके सामने पेश है लॉ एंड ऑर्डर क्विज। हमें तो लूट लिया के थाने वालों ने, गए गए जालों ने, उनके सवालों ने हमें तो...
क्विज है, क्वाली नहीं। ओके ओके ओके। हाँ, तो पहला सवाल है बेवकूफों के लिए। सवाल है, आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई एजिटेशन होती है तो बसों को आग लगा दी जाती है, वो कौन लोग होते हैं जो बसों को आग लगा देते हैं? जिन लोगों की पैंटे बसों में फटती रहती हैं, वो एजिटेशन में मौका मिलते ही बस को आग लगा देते हैं। जवाब दुरुस्त। अगला सवाल है समझदारों के लिए। सवाल है, एक पुलिस अफसर के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है? जी, जब कोई उसकी वर्दी पर कीचड़ उछालता है तब। ये तो बहुत ही फिल्मी जवाब है। बेवकूफ अपने दिमाग का दुरुपयोग करेंगे और बताएंगे। उसे ना किसी ऐसी जगह पे लगा देना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। एकदम सही जवाब। क्योंकि जहाँ शांति होगी वहां ना कोई चोर ना कोई गुंडा, और ऐसे माहौल में कई पुलिस अफसर वैसे ही भूखे मर सकते हैं। तो सवाल एक बार फिर बेवकूफों के लिए। सवाल है, कर्फ्यू का सबसे बड़ा फायदा किसको है? कर्फ्यू का सबसे बड़ा फायदा तो आप जैसे टीवी प्रोड्यूसरों को ही है। वो कैसे? कर्फ्यू के दिनों में लोगों को मजबूरी में आपके सारे प्रोग्राम देखने पड़ते हैं और आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। गलत है। गलत? वो वैसे ठीक ही है। आखिरी सवाल समझदारों के लिए, चुनौती। सवाल है, जेलों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जेलों में क्रिमिनल्स रखे जाते हैं, चोर डाकू लुटेरे खूनी जेलों में बंद किए जाते हैं ताकि बाहर शांति रह सके। एकदम भद्दा जवाब। बेवकूफ बताएंगे कि जेलों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जनाब, देश के बड़े बड़े लीडरों का भविष्य जेलों में बनता है जी। बहुत ही खूबसूरत जवाब। इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई, और इस जीती हुई टीम को 2 दिन और 3 रातों के लिए फ्री खाने पीने और ठहरने का इंतजाम किया जाएगा आपकी मनपसंद जेल में। हाँ जी भट्टी साहब, बोलो क्या खाओगे? ओ यार, तुझे तो पता है अभी खाना खाया। तो चूरन मंगवाओ। चूरन? भट्टी साहब, इस मार्केट में अपनी फुल थाक है, जो कहोगे मिल जाएगा, चाय ठंडा जो मर्जी। चाय नहीं यार, अगर कॉफी मिल जाए तो चलेगी। कॉफी? कॉफी एक दुकान खुली, मैं ट्राई करता हूँ। हम भी वही चलते हैं। नहीं यार, मैंने तो ड्रामे की रिहर्सल के बाद अभी ये इंस्पेक्टर की ड्रेस भी नहीं उतारी। और जिंदर गया तो है, कॉफी यहीं ले आएगा। भाई साहब, कॉफी मिलेगी? जनाब, कॉफी तो खत्म हो गई है, 11 बज गए हैं, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। 4 कप बना दो यार किसी तरह। आपने पहचाना नहीं, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। भाई साहब, टाइम बहुत हो गया, हमने तो मशीन भी बंद कर दी। प्लेन कॉफी बना दो भाई साहब। देखिए, यहाँ की पुलिस बड़ी सख्त है, 10:30 के बाद दुकानें नहीं खोलने देती, और वैसे ही अब 11 बज गए। डरना किससे? इंस्पेक्टर साहब तो गाड़ी में बैठे, उन्होंने तो कॉफी मंगवाई है। इंस्पेक्टर साहब वो बाहर गाड़ी में बैठे? अरे तो जनाब, आपने पहले क्यों नहीं बताया? छोटू जी, आ जाओ। 2 कप कॉफी बना। 2 नहीं 4। 4 कप कॉफी। सर, फिर कोई टाइम है सर कॉफी बनाने का? अरे कह नहीं मानता, चलो। चलिए जनाब, गाड़ी में मैं भिजवाता हूँ। सुन, क्रीम वगैरह भी डाल दियो। जी अच्छा। पहले तो कॉफी के लिए मान ही नहीं रहा था। कहने लगा मशीन बंद कर दिया, कॉफी नहीं मिलेगी। फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना वर्दी का इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा गाड़ी में इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। अब क्या है, मशीन दोबारा चालू करवा दिए, आ रही है कॉफी गर्मा गर्म। यार ये फंसवाएगा किसी दिन हमें। शेरुद्दीन। यस सर। भाई 11 बज रहे हैं और अभी तक कुछ दुकानें खुली हैं, पता करो जरा। यस सर। ये सरकार गर्मा गर्म काफी स्पेशल बनाए हैं आपके लिए। क्या बकवास करते हो तुम साहब, हमारे शाम होने के बाद कॉफी नहीं पीते? अभी अभी आप ही के तो आदमी ने 4 कप कॉफी ऑर्डर किया है। कॉफी इधर। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब उधर बैठे हैं, आ रहे हैं सरकार। शेरुद्दीन, ये कौन सा इंस्पेक्टर आ गया भाई? अपना इंस्पेक्टर तो छुट्टी पर है। सर, कोई और इलाके का होगा। मिल के आए यार, कोई जान पहचान वाला ना हो। चलो, काफी अच्छी है।
गुड इवनिंग सर। इवनिंग, सत श्री अकाल। सर कॉफी के साथ कुछ और मंगवाऊं? नहीं नहीं, कॉफी ही काफी है। अभी तुम क्या मुंह देख रहे हो खड़े खड़े, कुछ गुलाब जामुन वगैरह लेकर आओ, जल्दी आओ। अभय लेके आता हूं, अभय जल्दी लाओ। और सर आप किस इलाके के इंस्पेक्टर हैं सर? वैसे ही जनरल पर्पस। जनरल पर्पस हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर होता मैं। अच्छा हेडक्वार्टर्स, राइट सर। लीजिए सर। सर आप भी? नहीं नहीं, हमारा तो इलाका है ना, हम तो यहाँ खाते ही रहते हैं, आप लीजिए। कमाल है भट्टी साहब, अब ड्रामे की ड्रेस पहन के यहाँ खड़े हैं, उधर डायरेक्टर साहब परेशान हो रहे हैं। ड्रामे की ड्रेस? सर एक्चुअली कल हमारा शो है, इसलिए ड्रामे की वर्दी पहनी थी सर। ओ, यानी नकली इंस्पेक्टर, मतलब तुम ये जाली वर्दी पहन के यहाँ लोगों को डराते फिरते हो? नहीं सर, डराते नहीं सर, रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल? यहाँ मार्केट में कौन सी रिहर्सल कर रहे हैं आप? सर यही कि पुलिस की वर्दी पहनकर मुफ्त कैसे खाया पिया जाता है। रुकिएगा। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, ये लीजिए। थैंक यू सर, ये तो ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अगर इंश्योरेंस के कागज हो तो वो भी जरा प्लीज। हाँ जी क्यों नहीं, ये मैंने पिछले हफ्ते पॉलिसी रिन्यू कराई है सर। हाँ ये भी ठीक है सर, ये भी आप रखें। अगर आप बुरा ना माने तो रजिस्ट्रेशन आपकी जरा चेक कर सकता हूँ। हवलदार साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस प्यार और अदब से आप बात कर रहे हैं ना, मुझे शक है कि आप असली पुलिस वाले नहीं हो सकते। Yes, please. जी ये कागज है, मिस्टर भट्टी से साइन करवा दीजिए, और ये गार्ड्स हैं आपकी सुरक्षा के लिए। ये गार्ड्स किसने भिजवाए हैं? सरकार ने भिजवाए, मिस्टर भट्टी की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उन्हें तो सिवा मेरे किसी और का डर ही नहीं। जी आप रुकिए, मैं जरा पता करती हूँ। ठीक है। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट दी थी? सिक्योरिटी? मैंने सिक्योरिटी क्या करनी भी? मैं तो एक आम नागरिक हूँ। किसी डाकू लुटेरे ने आपको कोई थ्रेट, कोई धमकी तो नहीं भेजी? मेरा मतलब है आप मुझे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? भाई क्या मजाक है सुबह सुबह, तुम्हें पता है कि लस्सी पीते हुए मैं कोई भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बाहर से सिक्योरिटी वाले क्यों आए हुए हैं? तो कह दो उन्हें हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जी नहीं, हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स। देखिए सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए डिसाइड करना आपका काम नहीं, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि CID की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर भट्टी के पीछे गुंडों का एक खतरनाक गिरोह लगा हुआ है। अच्छा, आप घबराइए नहीं, ये गार्ड्स 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। ये कागज साइन मैं करवा के भिजवा दूंगी। जी केयर सिंह, मेयर सिंह, यस सर, टेक ओवर कर लो। राइट सर। पिंटू जी, वो पेस लेके अंदर से मेरे लिए। अच्छा जी। और सुन सुन सुन, मेरे लिए ब्रश भी लेता। अभी लेके आया जी। हाँ भी सर, बाहर सिक्योरिटी वालों को पेस्ट और ब्रश चाहिए सर। वो हो, पेस्ट भी उन्हें अपनी दो, ये लो सर ब्रश। सर तो ब्रश ही तो मेरा है सर, मैं यही उनको धोखे दे देता हूँ सर। और मैं? आप मंडे से काम चला ले सर, उन्हें बहुत जरूरी चाहिए। पिंटू देख, वो सिक्योरिटी वालों ने नहा लिया, तो उनको नाश्ता भेजो। अच्छा जी। ये अच्छी बात है, चार परांठे अपने अपने और 16 उनके। ये सामने वालों ने सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है? पता नहीं, लगते तो ये शरीफ आदमी है, किसी से झगड़ा भी नहीं सुना आज तक। क्या पता चलता है, बाहर से तो सारे ही शरीफ नजर आते हैं, पर अंदर पता नहीं कितना पैसा छुपा रखा। 315 वालों ने अचानक सिक्योरिटी रख ली है, लगता है उनके पास पैसा कुछ ज्यादा ही आ गया है। पर बॉस हमने इतना पैसा करना क्या है, रहना तो हमने खंडरों में ही है। शट अप, बदमाश हमेशा खंडरों में ही जचते हैं, ये सोचो कि पैसा लूटा कैसे जाए। पर बॉस उसके पास तो बहुत सिक्योरिटी है।
ऑडिटर को भी लूटने का उतना ही मजा आता है जितनी किसी के पास ज्यादा सिक्योरिटी हो। वैसे बॉस, वहां रहता कौन है? भट्टी नाम का एक आदमी, जहां जाता है दो गनमैन हमेशा साथ रखता है। आप कहाँ आ रहे हैं? जहाँ आप जा रहे हैं। ओ यार, मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ। सॉरी सर, हम यही इंतजार करते हैं। यार आप मेरा पीछा छोड़ कर नहीं देते? हमारी तो ड्यूटी आपका पीछा करना है, हमें तनख्वाह मिलती है सर। ओ लेकिन मेरी सारी तनख्वाह तो आपकी मेंटेनेंस पे लग जाती है ना। ओ, पीटर नाम है मेरा। तो मैं क्या करूं भाई, मैं यहाँ कोई वोटर लिस्ट बनाने आया हूँ? देखो, शहर का सबसे बड़ा बदमाश मेरा बॉस है। लेकिन तुम्हारी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन? सुनो, 4 तारीख को शाम 4 बजे से पहले पहले 4 लाख रुपए हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। चाचा, 4 लाख? हाँ, और अगर शाम 4 बजे से पहले पहले 4 लाख नहीं पहुंचाना तो तुम्हारे ये सिक्योरिटी गार्ड भी तुम्हारा कुछ नहीं बचा सकेंगे। तुम तो असली बदमाश लगते हो। इसमें गोलियां भी असली हैं। ठीक है, इसे रखो, मैं इंतजाम करता हूँ कोई ना कोई। हाँ, और अब तुम टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो जरूरत ही कोई नहीं यार, बीच में हो गया। ओ भाई, आप लोग यहाँ खड़े हो? सर आप ही ने तो कहा था बाहर खड़े रहो। लेकिन आप लोगों की ड्यूटी यही है कि आपने मेरे साथ साथ रहना है, इसीलिए आपको लगाया, सिक्योरिटी इसीलिए होती है। आओ मेरे साथ चलो, जल्दी ध्यान से। सॉरी भट्टी साहब, वो गलती हो गई। एक्चुअली सिक्योरिटी मिस्टर जयपाल भाटिया को मिलनी चाहिए थी, वो चिट्ठी पढ़ने में गलती हो गई। लेकिन अब तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सॉरी सर, ये डिसाइड करना कि सिक्योरिटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए आपका नहीं, हमारा काम है।